चर्चा करेंगे। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का जो उत्पत्ति है वो भ्रूण के एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से हुई है। इट इज होमोलोगस टू एंडोस्टाइल ऑफ लोअर कॉर्डेट। यह लोअर कॉर्डेट में पाए जाने वाले जो एंडोस्टाइल है उसके होमोलोगस होती है। यह इंग्लिश के जो अल्फाबेट है एच उसके आकार की, या हम कह सकते हैं कि यह बटरफ्लाई के आकार की होती है। यह ग्लैंड या इस ग्रंथि में दो पालियां होती हैं जो कि एक दूसरे से इस्थमस के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। अगर हम इस ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो यह ग्लैंड हमारे सर्वाइकल वर्टीब्री और थोरेसिक वर्टीब्री के बीच में पाई जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि पांचवी सर्वाइकल वर्टीब्री से लेकर यह थोरेसिक वर्टीब्री जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टीब्री होती है उसके बीच में स्थित होती है। अगर इस ग्लैंड की संरचना को हम इस चित्र के द्वारा देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि यह इसमें इस थायरॉयड ग्लैंड में दो लोब हैं और दोनों लोब जो हैं एक दूसरे से इस्थमस के द्वारा जुड़ी हुई हैं। जो दोनों पालियां होती हैं तो प्रत्येक पाली उनमें से 5 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है, और दोनों पालियों को जोड़ने के लिए जो एक इस्थमस होता है जो कि एक ब्रश की तरह कार्य करता है उसकी लंबाई यहाँ पर 1.25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। थायरॉयड ग्लैंड में पाई जाने वाली दोनों जो पालियां या लोब्स हैं वो असमान आकार की होती हैं। जो राइट जो लोब है वो थोड़ा सा लेफ्ट लोब से साइज में बड़ी होती है। द ग्लैंड इज यूजुअली लार्जर इन वुमेन। जो थायरॉयड ग्लैंड है वो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षाकृत कुछ आकार में बड़ी होती है। अगर इनके हम वेट की बात करें तो जनरली थायरॉयड ग्लैंड का जो वेट है वो 25 टू 30 ग्राम होता है और फीमेल्स में इनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है। थायरॉयड ग्लैंड जो है एक कैप्सूल के द्वारा ढकी हुई रहती है। ये कैप्सूल जो है एक फाइब्रस इन नेचर होता है। थायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ वेरियस फॉलिकल्स एंड थायरॉयड हार्मोन्स रिमेन स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ दीज फॉलिकल्स। थायरॉयड ग्लैंड जो है अगर उसका हम सेक्शन देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। जैसे हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये फॉलिकल्स जैसी रचनाएं हैं जो एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं, और इन्हीं फॉलिकल्स के बीच में जो ये ल्यूमेन है इन्हीं में जो है हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन जो है स्टोर रहता है। अगर इन फॉलिकल्स को अगर हम फर्दर स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि इन फॉलिकल्स में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। पहली जो सेल्स हैं उनको प्रिंसिपल सेल्स या मुख्य कोशिकाएं कहते हैं, दूसरी जो सेल्स हैं उनको पैरा फॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल सेल्स सिक्रीट टू आयोडीनेटेड हार्मोन्स। जो प्रिंसिपल सेल्स होती हैं या जो मुख्य कोशिकाएं हैं उनसे दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि आयोडीनेटेड होते हैं, मतलब आयोडीन के बने होते हैं। इनको हम T4 और T3 के नाम से जानते हैं। T4 हार्मोन को अगर हम फुल फॉर्म देखें तो T4 हार्मोन को टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन भी कहते हैं, और इस हार्मोन को हम थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। थायरोक्सिन इज द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन
कार्बन का जो सिंथेसिस होता है या संश्लेषण जो होता है वो आयोडीन और एक विशेष प्रकार का अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। पैराफोलिकुलर सेल्स एक विशेष प्रकार की दूसरी जो सेल्स होती हैं थायरॉइड ग्लैंड में, उनको हम पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं। और ये पैराफोलिकुलर सेल्स जो हैं वो एक हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन, जिसको हम थायरॉइड कैल्सीटोनिन या TCT के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन को पैराफोलिकुलर सेल्स जो है सिक्रीट करती हैं। और ये हार्मोन जो है अगर हम इसको देखें तो ये नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन होता है, अर्थात इसमें आयोडीन नहीं पाया जाता है। थायरॉइड ग्लैंड के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो थायरॉइड जो ग्लैंड है उससे जो हार्मोन निकलते हैं वह जो है हमारे जो है BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे जो टिश्यूज की जो वृद्धि और विकास होता है उसको जो है कंट्रोल करते हैं। इट आल्सो फैसिलिटेट द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल इन फ्रॉग, टेडपोल इन टू द फ्रॉग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि टैडपोल जो है जो मेढक का लार्वा या फ्रॉग का लार्वा होता है वो इसी हार्मोन की वजह से उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस को हम कायांतरण कहते हैं, और वो लार्वा से एडल्ट में चेंज होता है। इट प्रमोट्स कैटाबॉलिज्म बाई विच एनर्जी रिलीज इन द बॉडी, सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा या थायरॉयड हार्मोन के द्वारा बॉडी में कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया चलती है, जिससे बहुत सारी जो है एनर्जी रिलीज होती है और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स होता है कि थायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनका अगर हमारे शरीर में अल्प श्रवण हो, उनकी मात्रा अगर जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे अगर कम हो तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो अगर चाइल्डहुड स्टेज में हो जाती है तो इससे एक बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्रेटिनिज्म की अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो जो जो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है तो ऐसे बच्चों का जो हाइट है वो कम हो जाता है, बच्चे जो है ड्वार्फ हो जाते हैं, बौने रह जाते हैं, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट ऐसे बच्चों में जो है कम देखने को मिलता है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है वह भी कम हो जाती है। उनका जो पल्स रेट है वो कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है। हाइपोथायरॉइडिज्म अगर वयस्क में हो जाए तो उस कंडीशन को यहाँ पर हम मिक्सीडेमा या गर्ल्स डिसीज के नाम से जानते हैं। दिस डिसीज जनरली सीन इन फीमेल, इस प्रकार की जो विकार है वो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार के रोग में देयर इज एडिमा एंड पफीनेस इन द फेस, जो चेहरे पर एक जो है सूजन सी दिखाई देने लगती है, चेहरे और जो नेक रीजन है और जो हमारे जो हाथ हैं उन पर एक सूजन सी आ जाती है, क्योंकि जो एक विशेष प्रकार का जो फैट होता है वो इनके चारों ओर डिपोजिट हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है और BMR भी जो है ऐसी स्थिति में कम हो जाता है। हाशिमोटोज डिजीज ये भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म से होने वाला एक रोग है। इट इज द ऑटो इम्यून डिजीज, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है एंड इट इज कॉल्ड ड्यू टू सेंसिटाइजेशन ऑफ थायरोग्लोबिन इन फॉलिकल्स। इस केस में जो है हमारे शरीर
सिंपल गोइटर कहते हैं। सिंपल गोइटर में जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, और इस प्रकार का जो गोइटर रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ की सॉइल में आयोडीन जो है नहीं पाई जाती है। सिंपल गोइटर जो है ऐसे क्षेत्रों में होने वाला रोग है, यह एक एंडेमिक रोग है, अर्थात किसी पर्टिकुलर इस प्लेस पर होने वाला रोग है, तो ऐसे रोगों को हम एंडेमिक डिसीज कहते हैं। और यह जनरली जो है हिली एरियाज में यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हिली एरियाज में जब बारिश होती है तो सॉइल में जो उपस्थित आयोडीन है वो जल में घुलनशील हो जाने के कारण वहाँ से स्लोप से बह जाती है। तो जो हिली एरियाज में जो सॉइल है तो वहाँ पर जो है उस सॉइल में आयोडीन की कमी हो जाती है, और ऐसे वहाँ के रहने वाले जो पर्सन हैं उनको एक रोग हो जाता है, इसको हम गोइटर रोग कहते हैं। तो जनरली ऐसे लोगों को जो है एडवाइस दी जाती है कि वो आयोडीन रिच जो है फूड को अपने अपने जो अपने भोजन में शामिल करें। हाइपरथायरॉइडिज्म कंडीशन मीन्स यहाँ पर जो मतलब है कि अगर थायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा निकलने लगे तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म रिजल्ट्स इन ग्रेव डिसीज। हाइपरथायरॉइडिज्म से जो होने वाला रोग है वो ग्रेव्स विकार या ग्रेव रोग कहलाता है, और इस डिसीज को हम एक्सोथेल्मिक गोइटर भी कहते हैं। इस केस में जो है हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो साइज में बढ़ जाती है, हमारी आंखों के चारों तरफ सूजन सी आ जाती है, द आईज प्रोट्रूड, जो आंखें हैं वो ऐसा लगता है कि वो ऑर्बिट से आई ऑर्बिट से बाहर की तरफ आ रही हैं, इसको हम बल्जिंग ऑफ आईज भी कहते हैं। जो हमारी बॉडी का जो PMR या बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, जो हमारी बॉडी का जो तापमान है टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, पल्स रेट भी यहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाती है, और हमारा जो हार्ट बीट है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। इस चीज की सहायता से आप देख सकते हैं कि ये एक जो हाइपर थायरॉइडिज्म कंडीशन है। यहाँ पर देखिए जो पर्सन की आई है वो आई ऑर्बिट से एकदम बाहर की तरफ आती हुई हमको दिखाई दे रही है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन और सिक्रीट होता है जो कि पैरा फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, इसको हम कैसिटोनिन या थायरोकैसिटोनिन या TCT के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन जो है वो पैरा फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, स्रावित होता है। TCT हार्मोन जो है वो पैरा थायराइड ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले हार्मोन जो कि PTH के नाम से जानते हैं उसके एंटागोनिस्टिकली बिहेव करता है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। TCT हार्मोन्स लोअर द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। TCT हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस का जो एक स्तर होता है उसको जो है कम करता है, और जो हमारे यूरिन में कैल्शियम को जाने देता है। इट आल्सो लोअर्स कैल्शियम लेवल इन एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड। हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड होता है उसको भी उसमें भी ये कैल्शियम आयन के जो हमारे स्तर है उसको कम करता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन, अगर इस हार्मोन का कैल्शियम हार्मोन अगर एक निश्चित मात्रा से जो है कम सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, तो उस कंडीशन में एक विकार उत्पन्न हो जाता है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार नीट में इसे एग्जाम आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसके द्वारा होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल है वो कैल्शियम है, और कैल्शियम की मात्रा जो है कम स्रावित हो रही है तो उस कंडीशन में ये रोग उत्पन्न होता है, और इस रोग में जो है हमारी बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जनरली इस प्रकार का जो रोग है वो जो हमारे
से निकलने वाले हार्मोन, उनकी कमी या दिक्कत से होने वाले रोगों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी आप लोगों को दी है। निश्चित ही